फ्रेंड्स, मेरा नाम कनक कुमार है। मैं आज आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, जो कि फुली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एज वेल एज मोशन इन अ प्लेन के बाद आता है, और वो इन दोनों चैप्टर के बेस पर ही स्ट्रॉन्ग मतलब न्यूटन्स लॉ, सर्कुलर मोशन वगैरह को प्रोवाइड करता है, मतलब एक वे है उनको पढ़ने का। तो इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, उनको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और मतलब वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, और मोशन मोशन की वीडियो देख लें, बस आप दो वीडियो देख लें तब भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वैसे उससे पहले फिजिक्स का एक फंडा है, फिजिक्स जो है इंटरलिंक होता है। इससे पहले आपको जो मैंने पहली वीडियो बना रखी है फिजिक्स की, ये फिफ्थ चैप्टर आई थिंक, तो इसको पढ़ने से पहले आपको वो पढ़ने होंगे। जब आप इसको पढ़ें तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए लॉज ऑफ मोशन। मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। आपको नोट्स उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो वैसे ही दे दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होती है? अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच चेंज इट्स स्टेट। मतलब एक पुश हो या फिर पुल हो, और वो किसी मतलब ऑब्जेक्ट का स्टेटस चेंज कर दे, यानी कि पोजीशन चेंज कर दे, शेप चेंज कर दे, साइज चेंज कर दे, उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच चेंज इट्स स्टेटस, या फिर स्टेटस, या फिर उसकी स्टेट चेंज कर देंगे, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब फोर्स जो है पुश और पुल है, पुश एंड पुल। पुल जो है वो तो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है, और पुश जो है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। आप बोलोगे ये भी चेंज करता है मोशन? हाँ ये भी करता है। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसमें हम पुश करें तो उसकी स्पीड और चेंज हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं मतलब पुश होता है किसी बैक साइड से पुश करना, और पुल होता है किसी बैक साइड से आगे साइड से खींचना और पुश आगे साइड से ढकेलना, कैसे भी कह सकते हो। लेकिन हम एक फॉलो करेंगे, एक किसी एक साइड को लेंगे। तो मान लीजिए अगर हम किसी साइड को पुश कर रहे हैं तो मोशन करेगी, हम किसी साइड को पुल कर रहे हैं तो वो रेस्ट में जाएगी। तो यहाँ से दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो लास्ट में मैं वीडियो को बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ से पुश और पुल हो गए। अब इफेक्टिव रिजल्टेंट मोशन के बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव ऑफ रिजल्टेंट मोशन क्या होता है? अगर मोशन रिजल्टेंट है तो उसमें इफेक्टिव क्या लाएंगे? इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट मोशन, इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट मोशन, उसके इफेक्ट। राइटिंग थोड़ा सा आप नहीं प्लीज कॉपरेट करें, लेकिन नोट्स में सब चीज़ मिल जाएगी। सिंपली नोट्स में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, जो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है नोट्स से समझ लीजिए, नोट्स से हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट मोशन क्या होता है? मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, एक डायरेक्शन तो होगी इसकी एक्स और एक डायरेक्शन होगी वाई। जब ये 90 डिग्री यहाँ क्रिएट कर रहा होगा तो हम एक सिंपली एक यहाँ से एक जेड को हम रिजल्टेंट बोलते हैं, डैट इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट। आप थोड़ा वो पढ़िए, कौन सा चैप्टर है, मोशन इन अ प्लेन, उसमें आपको रिजल्टेंट के बारे में पूरा बताया डेप्थ में, वहाँ पे आप समझ जाओगे, ठीक है। ये रिजल्टेंट होता है, अगर हम एक्स 50 है और वाई 50 है, रिजल्टेंट जो आएगा जेड वो कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, एक्स और वाई की, तो वहाँ से हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया रिजल्टेंट। अब जो है ये बात करने हैं हमें इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट मोशन, रिजल्टेंट मोशन के क्या इफेक्ट हैं। अब ये जो है स्पीड ऑफ द बॉडी को चेंज कर देता है रिजल्टेंट मोशन, ठीक है, स्पीड ऑफ द बॉडी। रिजल्टेंट मोशन कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, इट कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ द बॉडी एज वेल एज शेप ऑफ द बॉडी। रिजल्टेंट मोशन जो है शेप ऑफ द बॉडी चेंज कर देता है। मान लीजिए कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने 5 न्यूटन का फोर्स दिया, 5 न्यूटन का मतलब और एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर दिया आपने, तो उसकी जो है शेप चेंज हो जाएगी, उसकी जो नई शेप होगी कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो है शेप को भी चेंज करता है। अब जब शेप को चेंज कर दिया उसने तो उसके साइज को भी चेंज कर देगा, ये हो गया, स्पीड को भी चेंज कर देगा, उसके पाथ को भी चेंज कर देगा, मतलब आया था एक्स डायरेक्शन में भगा देगा वाई डायरेक्शन में। अब स्लोप को भी चेंज कर देगा। स्लोप कैसे? मान लीजिए
कोई एक्स डायरेक्शन कोई वाई डायरेक्शन पार्टिकल जा रहा था ऐसे, यानी कि रिजल्टेंट मोशन वो था इस तरीके से, उसने रिजल्टेंट मोशन करा दिया ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कोई दूसरा पार्टिकल था वो जा रहा था ऐसे, ऐसे होता तो ऐसे हो गया मोशन या फिर ऐसे हो गया, मतलब रिजल्टेंट मोशन कराएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देगा यानी पाथ, ठीक है। तो यही है। अब टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। ये तो थे रिजल्टेंट मोशन, अब टाइप्स ऑफ फोर्स। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन मैंने पढ़ा दिया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ से आप पढ़ोगे तो वहाँ से और समझ में आ जाएगा। और फिजिकल वर्ल्ड में मैंने पूरा फिजिक्स का ओवरव्यू दिया है, ठीक है। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट से जो मैं टाइप्स ऑफ फोर्स में डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा वो है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फोर्स, तो जनरली हम दो टाइप के फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम वन इंटू एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर दो पार्टिकल हैं जिसका मास m1 है और m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। तो फॉर्मूला में g की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। g जो है, g की वैल्यू ये हो गई, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो g का आता है वो आता है m, आई थिंक जैसे हम निकाल लेते हैं उसी तरीके से आएगा इसका। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट एक फाइंड करके, जैसे फोर्स का होता है एम एल टी की पावर माइनस टू। देखो सिंपली मैं आपको शुरू से बताता हूँ। देखो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का होता है एम, एक्सेलरेशन का क्या होता है एक्सेलरेशन, और एल टी की पावर माइनस टू, तो फोर्स का हो गया एम एल टी की पावर माइनस टू। अब g का हमें फाइंड करना है, g का g रख देंगे, m1 into m2 यानी कि m का स्क्वायर, r का स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर। अब डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि m l cube t पावर माइनस टू इज इक्वल टू g into m स्क्वायर। अब यह मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि ऊपर जाके एक पावर काट देगा, तो g की होगी m माइनस वन एल थ्री टी पावर माइनस टू, ठीक है, ये होगा g का। अब g की वैल्यू ये है, फोर्स फाइंड करनी है, m1 into m2 रखोगे दोनों का मास और रेडियस का स्क्वायर करोगे, ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब e एक नई फोर्स और बता रहा हूँ, वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। वो होता है एफ इज इक्वल्स टू, डरना मत, 1/4πε0 q1 q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। दो चार्ज हैं, ये q है, ये माइनस q कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, ठीक है। 4πε0, यहाँ से मैंने आप यूनिट्स एंड डायमेंशन में इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखाया, e नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस या फिर वैक्यूम किस मीडियम में रखा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और e नॉट की जो वैल्यू है वो है 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन, सॉरी कूलम, चलो न्यूटन से करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब तो ये हो गया, अब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो गई, ये हो गई, q1 q2 रखोगे जो कि भी ना रेडियस का स्क्वायर, 4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब गलत हो तो फ्रेंड्स कुछ बता देना डिस्क्रिप्शन में, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बता देना क्या क्या कमी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, अब रिएक्शन फोर्स, मतलब कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ये रहा, यहाँ पर टोटल रिएक्शन फोर्स कितनी लगेंगी उनको बताते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए रिएक्शन फोर्स, केमिस्ट्री वाला रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन फोर्स डाल लीजिए। तो द फोर्स विच एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ टू ब्लॉक्स That is called reaction force. मतलब मान लीजिए दो ब्लॉक हैं इस तरीके से, और इनके बीच में यहाँ फोर्स लग रहा है, That is called reaction force. इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, इसका ऐसे और इसका इसकी तरफ, रिएक्शन फोर्स, ठीक है, सरफेस पर है। और सरफेस पर ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे सरफेस इसका मास m है, नीचे mg है,
तो ऊपर नॉर्मल फोर्स होती है एंड वो मैं आगे डिस्कस करूंगा नॉर्मल फोर्स क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सरफेस पर है तो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, बहुत काम की है, इससे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आप गलत पुट कर देते हो फॉर्मूले में। नेक्स्ट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स हो गया। अब आगे है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, द फोर्स विच इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बाय द बॉडी इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यानी कि एक जो ये एम का है तो ये एम जी लगाएगा, ये इक्वल टू है एन के, डेट इज इक्वल्स टू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ब्लॉक ऑन द सेकेंड फ्लोर, वो ये फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब एक ब्लॉक है नीचे एम जी ऊपर करेगा, ऊपर मतलब वो एम जी जो है नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा, द नॉर्मल फोर्स मतलब जो एम जी है ना वो इक्वल होगा एक एन के, द एन इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं टेंशन फोर्स की। तो आपने फ्रेंड्स वो देखे रस्सी, तो वो ही है टेंशन। तो फ्रेंड्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को जिसको हम रस्सी बोलते हैं, ठीक है, वही है। यानी कि टोटल बात अगर हम करें तो सिंपली जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन, ठीक है। स्ट्रिंग में होती है टेंशन, देयर इज कॉल्ड टेंशन इन अ स्ट्रिंग, दैट टेंशन इज कॉल्ड फोर्स, मतलब वो एक फोर्स होती है। वो फोर्स कितनी होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, किसी ब्लॉक को हमने इससे लटका दिया, तो ये डैश 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 ये जो मिरर का सा हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये लाइक डैट, डैट इज कॉल्ड मतलब हमने किसी वॉल से लटका दिया इसको, मतलब ये वॉल है या फिर रूफ है, सॉरी सीलिंग है, रूफ तो ऊपर वाला होता है, सीलिंग नीचे वाला होता है। छत जिस पे आप चलते हो ना, छत के ऊपर वो तो होता है आपका रूफ, और जो जिस पर फैन लटका होता है वो होता है सीलिंग, ये ध्यान रखिए। तो जैसे सीलिंग से हमने किसी थ्रेड को लटका दिया, वो है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं टेंशन फोर्स, द टेंशन फोर्स द फोर्स डेवलप्ड इन अ स्ट्रिंग और अ रोप, यानी कि रोप या स्ट्रिंग में जो फोर्स डेवलप्ड होता है बाय एनी वेट, किसी वेट के द्वारा, यानी वेट पे लगती है ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन इस पर फोर्स लगेगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग मतलब टेंशन फोर्स। अब बात करते हैं इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है। चैप्टर की शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स, थोड़े अच्छी तरह सुने। इनर्शिया, तो फ्रेंड्स इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच अपोज एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट, मतलब एक इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, जो कि अपना मतलब स्टेट में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको अपोज करेगी, ठीक है ना। इनर्शिया वो चीज है जो अगर कोई चेंज हो रहा है उसकी बॉडी में तो उसको चेंज को अपोज करेगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में तो मोशन में, और कोई डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, until and unless external force पे applied ना हो जाए। ध्यान से एक और बार सुन के इसको रिवाइंड करें, ठीक है। फ्रेंड्स इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इज अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है। इनर्शिया जो है टोटली डिपेंड है मास पे, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब डायरेक्टली इनवर्सली क्या होता है, देखो फ्रेंड्स डायरेक्टली को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्सली को ऐसे, या फिर सिंपली इनवर्सली को ऐसे, वन अपॉन कोई चीज x है, चलो कोई चीज़ मानते हैं हम प्राइस, किसी चीज़ का प्राइस मानते हैं, और मान लीजिए फूड का प्राइस है, फूड, ठीक है। मान लीजिए भूख बढ़ने से प्राइस जो है इंक्रीज हुए हैं किसी चीज़ के, आपको भूख लग रही है और प्राइस जैसे आपको भूख बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं उस चीज़ के, होता है ना ऐसे। तो हाँ उसी तरीके से है, जैसे फूड पे प्राइस मतलब जैसे आपको भूख लगी उस तरीके से प्राइस उसके इंक्रीज हो गए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मान लीजिए एक ऑफर है तो वो चल रहा है, आपको अगर जितनी ज़्यादा भूख लगी उतना कम आपके लिए प्राइस है, तो फूड के मतलब भूख लगने से प्राइस कम हो रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली इनवर्सली। अब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, हैवियर मास हैवियर इनर्शिया मास, और लेस इनर्शिया लेसर मास, ठीक है। और लाइट ऑब्जेक्ट का लेस इनर्शिया होता है देन कंपेयर टू
टफ ऑब्जेक्ट या फिर हार्ड ऑब्जेक्ट या टाइट ऑब्जेक्ट, मतलब लूज ऑब्जेक्ट, मतलब यार बोले तो लाइट ऑब्जेक्ट का जो लाइट इनर्सी, मतलब लाइट ऑब्जेक्ट का जो इनर्सिया है ना, वो एक बिग ऑब्जेक्ट से यानी बिग साइज ऑब्जेक्ट से, बिग वेट ऑब्जेक्ट से, यानी कि एक लार्जर बॉक्स से कम होगा, हैवियर बॉक्स से, ठीक है। अब इनर्सिया के टाइप्स, इनर्सिया एंड मतलब टाइप्स ऑफ इनर्सिया, ये हेडिंग है, ठीक है। अब इनर्सिया के टाइप्स की बात करते हैं, तो इनर्सिया को हमने तीन टाइप्स में डिवाइड करा है। पहला इनर्सिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्सिया ऑफ मोशन, ठीक है, तीसरा इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर फ्रेंड्स सर्कुलर मोशन में एक हेडिंग डाल लीजिए छोटा सा, ये सर्कुलर मोशन, अगर फ्रेंड्स हमारे पास कोई एक सर्कुलर पाथ है तो एक्सेलरेशन लगता है इनवर्ड सेंटर की तरफ और वेलोसिटी लगती है टेंजेंटली आउटवर्ड, ठीक है। अब फ्रेंड्स टेंजेंटली आउटवर्ड लग रही है तो फ्रेंड्स हमको एक चीज मिली, जो एक चीज मिली वो ये मिली कि हमको अगर किसी सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो एक्सेलरेशन इनवर्ड लगेगा, वेलोसिटी आउटवर्ड टेंजेंटली लगेगी उस सर्कुलर पाथ की। तो जो फोर्स रिक्वायर होती है एक सर्कुलर में मूव करने के लिए, एक सर्कल पाथ में, सर्कुलर पाथ में, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, CENTRI पिटल फोर्स, PITL पिटल फोर्स। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो रिक्वायर्ड होता है जस्ट सेंटर की टुवर्ड्स मूव करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। अभी मैं बताऊंगा स्यूडो फोर्स क्या होगी आगे टॉपिक में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल फोर्स, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ सर्कल के, ठीक है। अब इनर्सिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्सिया। देखो फ्रेंड्स मैं एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, टीचर जनरली लेते हैं बस का एग्जांपल। आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो आपने फ्रेंड्स फील करा होगा जब ट्रेन रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, एक बात तो क्लियर है इनर्सिया से। तो जब फ्रेंड्स वो रेस्ट से मोशन में आती है तो फ्रेंड्स क्या होता है, हम एकदम पीछे को जाते हैं, यानी कि हमारे जो हम जो थे पीछे होना चाह, मतलब रेस्ट में रहना चाहते थे, हमारी जो पोजीशन थी वो पीछे रह गई और ट्रेन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हम इसलिए, मतलब आपको मैं इजी वे में इसलिए समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ट्रेन स्टार्ट हुई, आप एकदम मतलब आगे हो जाते हो, ठीक है, मतलब पीछे हो जाते हो। पीछे क्यों, आपकी जो पोजीशन थी बैक उसको लेना चाहते हो लेकिन आप नहीं ले पाते। मतलब आप एक और सिंपल वे में समझिए, जब आप ट्रेन चलती है एक साथ तो आप एकदम पीछे हो जाती हो, ठीक है, वो इनर्जी ऑफ रेस्ट, यानी कि आप रेस्ट में थे, रेस्ट से मोशन में आते हो, आप अपनी पोजीशन को गेन करना चाहते हो, इसलिए वो इनर्जी ऑफ रेस्ट है, ठीक है। अब इनर्जी ऑफ मोशन क्या है, जब वो ट्रेन मोशन में होती है एकदम स्टॉप होती है तो आप एकदम आगे पहुंच जाते हो, यानी आप उस पोजीशन को लेना चाहते हो, आपकी पोजीशन आगे पहुंच गई, उसको गेन करना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जो आगे आप चली गई, आगे आपकी पोजीशन चली गई, उसको आप गेन करना चाहोगे तो यानी कि आप इनर्जी ऑफ मोशन फॉलो करोगे, आप उस पोजीशन को एकदम आगे की तरफ टेंड करोगे और उस पोजीशन को लाओगे, ठीक है, मतलब इनर्जी ऑफ मोशन यही है, ठीक है, वो मतलब आपकी जो पोजीशन है उसको आप लेना चाहोगे, एकदम आप आगे की तरफ हो जाओगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, जब आप सर्कुलर पाथ मूव करोगे, जैसे नोएडा का ओ पॉइंट जो है, ठीक है, जब आप मूव कर दोगे उस पर तो आप एक आउटवर्ड फोर्स फील करते हो, या जब आप आते हो तो एक इनवर्ड फील करते हो, यानी कि जाते हो तो सेंट्रीपिटल, आते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, उसमें उस केस में यही है फ्रेंड्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो इनर्जी ऑफ डायरेक्शन है, यानी कि आप डायरेक्शन, आप स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहते हो ऑलवेज, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो सर्कल की वजह से आपको चेंज हो जाता है। अब न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हैं, सबसे पहले न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्सिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्सिया, हेडिंग डाल लीजिए, न्यूटन्स न्यू एंड टन्स फर्स्ट लॉ, इनसाइड न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ में डाल लीजिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्सिया,
देखो फ्रेंड्स, इनर्शिया से हमें ये तो क्लियर हो गया है, इनर्शिया क्या है, ठीक है। इफ अ बॉडी इन इट्स ओन स्टेट वॉन्ट टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट्स अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, मतलब अगर रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में, किसी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो किसी डायरेक्शन चेंज में, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते तब तो वो रहना चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक बात तो क्लियर है, जो ये इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ये इस चीज़ को फॉलो करता है, ठीक है। इस चीज़ को जब फॉलो कर लेगा तो एक बात और क्लियर होगी, जो डेफिनेशन ऑफ फोर्स है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स वो यहाँ पर वैलिड होती है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया में पहली बात तो मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी एट विच इट इज मूविंग, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, और चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से। डेल्टा का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, आप पढ़िए फर्स्ट फोर्थ चैप्टर्स में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और P होता है एम इन टू वी, और P जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो आएगा। आप बताइए एरो क्यों आएगा अगर आपने पढ़ा है, और V पे ये एरो आएगा, ठीक है। और डेल्टा P क्या हो गया, डेल्टा P इज इक्वल टू मास सेम रहेगा, तो मास सेम तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया मोमेंटम। अब मोमेंटम की जो SI यूनिट है वो होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट वो है किलोमीटर पर किलोमीटर सेकंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी की पावर माइनस वन, ठीक है। और डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम होता है, और डी पी जैसे डेल्टा पी है उस तरीके से अगर हम डी पी लिख दें तो वो होता है स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। स्मॉल चेंज इन मोमेंटम वो होता है डी एम डॉट डी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब ये तो हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ तो यही है, ठीक है। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में तो मोशन में, और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन चेंज में होना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस पे अप्लाइड ना हो जाए। अब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ फोर्स, या मतलब कुछ भी बोल दो उसका नाम, मेन नाम तो न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। ये इनर्शिया वाला लॉ हो गया, फोर्स लॉ, लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, मैं आपको अपने नोट से बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल फोर्स के। एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एफ नेट, ठीक है, एफ नेट होता है एम इन टू ए, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के, यानी कि एम इन टू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। एम से एम कट जाएगा, और एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू के कांस्टेंट आ जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। अब तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको अगर हम लाएं तो न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास निकलेगा एफ नेट इज इक्वल्स टू एम डॉट ए, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स है ना न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डेरिवेशन है, आप नोट करना चाहते हैं नोट भी कर लीजिए, लेकिन डेरिवेशन आती नहीं है, वो पूछता है डायरेक्टली फॉर्मूला। तो न्यूटन सेकंड लॉ इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन एट द बॉडी विच इज रनिंग, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ये हो गया। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की, अगर आपने पढ़ लिया हो तो न्यूटन सेकंड लॉ पर एक क्वेश्चन है, वो है फोर्स आपको गिवन है 10 न्यूटन, ठीक है, एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको फाइंड करना मास ऑफ द बॉडी, पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में फोर्स आपको फाइंड करनी है, मास है आपका 5 kg और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको फोर्स अगेन 10 न्यूटन है, मास फाइंड करना है, सॉरी मास गिवन है 5 kg और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। जनरली एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इनटू ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। देखो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, मैं लगा नहीं रहा, एक्सेलरेशन और एफ नेट आपको पता होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। एफ नेट कितना है, 10 न्यूटन यानी नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब मैंने आप बताया, नेट का मतलब टोटल, और एक्सेलरेशन मास है आपका, मास फाइंड करना है, मास आपको फाइंड आउट करना है, और एक्सेलरेशन 2, तो मास इज इक्वल्स टू 5 kg देखो, ठीक है। अब दूसरे में फाइंड आउट करनी है फोर्स, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इन टू ए, एम कितना है 2 और फोर्स आ गए 10 न्यूटन। देखो वो डेटा सेम है लेकिन वैल्यूज अलग अलग आ गए 5 kg, ठीक है। अब देखो ये एक्सेलरेशन वाला ये यहाँ आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इन टू लगाइए थर्ड क्वेश्चन में भी, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना 10 इज इक्वल्स टू 5 ए इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आ गया फ्रेंड्स, यही है फ्रेंड्स आपका न्यूटन सेकंड लॉ। अब एक फ्रेंड्स आपके लिए एक और क्वेश्चन है, उसमें है फोर्स गिवन है आपको 2i कैप माइनस 4j कैप 4j कैप प्लस 8k कैप। आपको फोर्स गिवेन है, एक्सेलरेशन गिवेन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको फाइंड करना है नेट फोर्स, ठीक है, सॉरी आपको फाइंड करना है मास ऑफ द बॉडी। मास कैसे फाइंड कर, देख इसी तरीके से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने वाले दे सकता है, इसी तरह फोर्स, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इन टू ए, मैंने आपको बता दिया कैसे रिजॉल्व करते हैं इसको। जस्ट अगर हमारे पास एक गिवेन है, दो गिवेन नहीं है, अगर दो गिवेन होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, जनरली हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और एक गिवेन है तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। करते हैं यहाँ से कितना आएगा 68 माइनस 16 कितना आएगा 52, तो 52 क्या हो गया आपका फोर्स इज इक्वल्स टू मास आपको फाइंड करना है, एक्सेलरेशन है आपका 2, तो मास इज इक्वल्स टू 26 kg आ गया, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, बस आपको एक्सेलरेशन गिवेन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, मास गिवेन है 5 kg यही वाला है। चलो मास गिवेन है 26 kg, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है, आंसर मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन जो न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड है, देखो फ्रेंड्स बात ऐसी है, अगर आपको क्वेश्चन कहीं और से समझ लिए तो इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा ध्यान से समझना उनको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक टाइप का बताऊंगा मैं, जो जो टाइप होते हैं उसमें पहला आता है, अगर हमारे पास इस तरीके से 2 kg का कोई ब्लॉक है सरफेस पर रखा है और फोर्स लग रही है इस पर, फोर्स कितनी लगाएं, चलो फोर्स लगाते हैं हम जो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है 10 न्यूटन, तो आपको फाइंड करना है फोर्स है मास है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इन टू ए लगाएंगे, ठीक है। एफ कितना है 10 न्यूटन, एफ नेट मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 m/s². सेकेंड क्वेश्चन है यही है बिल्कुल, बट फोर्स दोनों तरीक से लगा दिया 10 न्यूटन और इधर से 5 न्यूटन, 2 kg का बॉक्स है। अब इसमें क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इन टू ए। अब देखो फ्रेंड्स ये सरफेस पर है, हम इसमें ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगा रहे क्योंकि ऊपर एन रहा होगा उससे कैंसिल हो गया होगा, ठीक है, उससे कैंसिल हो गया होगा। इसी तरीके से अगर दोनों तरफ फोर्स लग रहा है एक ही डायरेक्शन में तो दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, एक सिर्फ 5 न्यूटन बचेगा इधर और डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, ठीक है, राइट साइड। तो एफ नेट कितना होगा 5 न्यूटन इज इक्वल्स टू बचा क्योंकि मास कितना है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन आ गया 2.5 m/s², ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पे भी अगेन 2 kg, यहाँ पर है 4 न्यूटन और यहाँ पर है 4 न्यूटन, तो आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन कितना है, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इन टू लगाइए, ठीक
ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना मास 2 kg और फोर्स, अब जब एक डायरेक्शन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यानी ऐड हो जाएंगी, तो जब ऐड हो जाएंगी तो एक्सेलरेशन आएगा 4 m/s², ठीक है, ठीक है। अब एक बेसिक टाइप का तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, जो लोग कंपटीशन प्रिपेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को देख ले, नहीं तो ये बोर्ड में नहीं आता। और जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो 5 नंबर का आ जाता है कभी कभी, या फिर 2 नंबर का आता है बोर्ड में, ठीक है, मतलब बोर्ड का मतलब एग्जाम्स में। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये भी आ जाते हैं 4-5 नंबर के, 5 नंबर के बेसिकली आते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अब वाला, ये कॉम्पिटिशन में आता है, CBSE में कभी कभी आएगा, तो अच्छे नंबर का आएगा। आपको दिया है यहाँ से एक एंगल 60 डिग्री, 20 न्यूटन का फोर्स है और ये 2 kg का है, तो आप क्या करोगे? तो आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखोगे सरफेस पर है, तो यहाँ से हम रिजॉल्व नहीं करते, जो अगर इस कॉर्नर पे दिया हुआ है, ए बी पर दिया है तो हम नहीं लेते, तो ए बी पर दिया हुआ क्या करेंगे, अगर हमारे पास फोर्स इस तरीके से है तो हम उसको खींच कर ऐसे ले आते हैं, ठीक है। और अब हमको कैसे दिया है, अब हमको दिया है इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या लेंगे, खींच के हम इधर ले आएंगे, खींच कर जब हम इधर ले आएंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब अब ये वाला गया, और वर्टिकली अपोजिट एंगल लग के ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा, ये होगा अब 60 डिग्री ये होगा, मतलब ये स्ट्रेट एक 60 डिग्री ये होगा। अब जिस एंगल से साइड इंक्लूड होती है 20 न्यूटन का, ये उस वो आता है साइन, यानी कि 20 sin 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 20 cos, क्योंकि एंगल इंक्लूड नहीं है, 60 डिग्री। अब इसको मिटा दीजिए क्योंकि हमने एंगल कर लिया और न्यूटन कर ली, अब इसको हम रिजोल्व करेंगे तो आएगा 10 न्यूटन, और इसको रिजोल्व करेंगे आएगा 10√3 न्यूटन, ठीक है। अब इसको भी हटा दो और सिंपली जनरल फोर्स लिख दो, ठीक है, जनरल फोर्स हमने लिख दिया। अब ग्रेविटेशन पे है, ये इसके इक्वल होगा एम के, तो ये भी कैंसिल, ठीक है। अब सिंपली एक बच्चा और वो एक्ट कर रहा है इधर की तरफ, तो अब क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम इन टू ए लगाओ, एफ नेट कितना है 10 न्यूटन, मास कितना है 2, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना जो कि आ गया 5 m/s². तो ये क्वेश्चन आ जाता है CBSE में, जस्ट एक क्वेश्चन ही 5 नंबर का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा एक और बार रिवाइंड करके देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम हेडिंग डाल दीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो फ्री बॉडी डायग्राम जिसको हम FBD से भी बोलते हैं, FBD। देखो फ्रेंड्स आपको एक चीज बताऊं, जो NCERT के एग्जाम्पल्स हैं वो ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके 11th के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो ही आते हैं एग्जाम्स में। तो मान लीजिए सबसे पहले टाइप्स करें हमने क्वेश्चन के इनका, तो 5 kg ये, तो इसका FBD कैसे बनेगा, तो इस बॉक्स को हम उठा के ले जाएंगे ऐसे, इसको नीचे लगाएंगे, इसको जितने फोर्स हैं वो लिख देते हैं हम FBD पर, 5 kg है तो 50 N ऐसे और N ऐसे, तो ये FBD हो गया। अब दूसरा केस है हमारे पास, मान लीजिए ये बॉक्स हवा में लटका दिया है, तो इसका FBD बनाइए, तो इसका FBD यहाँ से कट करेंगे, ये ऊपर ये टेंशन है, एक रस्सी है, तो टेंशन T, और नीचे मान लीजिए 5 kg की था तो 50 N, ठीक है। अब तीसरा टाइप है, अगर हमारे पास 2 बॉक्स हैं 1 kg एंड 2 kg, क्या करेंगे, तो देखो सरफेस है दोनों का, तो कौन सी फोर्स लग रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो दोनों को कट करके हवा में लटकाइए, ठीक है, हवा में लटका दिया तो ऊपर एन फोर्स नॉर्मल फोर्स, यानी नॉर्मल फोर्स 1 kg का, 2 kg का नॉर्मल फोर्स है, नीचे 20 N और 10 N, ये तो कट जाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इनके बीच में ये फोर्स और लग रहा था, क्योंकि दोनों जस्ट वंडरवॉल फोर्स से टच थे,
वंडरबॉल फोर्स वो होती है जैसे आप एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख लो, इन दोनों फोर्स हाथ के बीच में जो फोर्स होगी वंडरबॉल फोर्स होती है, ठीक है। इस फोर्स को हम वंडरबॉल फोर्स कहते हैं। अब ये तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गई, अब एक और टाइप का क्वेश्चन है जो है, अगर आपको इस तरीके से पुली दिया है, इस तरीके से आपको लटक रहा है मास, उसका कैसे निकालोगे, 1 kg का है 2 kg का, FVT कैसे बनाओगे। तो इस यहाँ से यहाँ कट करोगे, ठीक है। तो पहली का ये हो गया, यानी 1 kg का है 10 N, और दूसरा है 2 kg का 20 N। ऊपर सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं, जब सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं, देखो एक ही स्ट्रिंग है तो इसका टेंशन टी, इसका टेंशन टी, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया FVD। अब हेडिंग डाल लीजिए, थोड़े आगे क्वेश्चंस और करते हैं, आगे और थोड़ा क्वेश्चंस है, लेकिन उससे पहले आपके लिए 5 questions होमवर्क में है। 5 questions अभी नहीं देते, बाद में देते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन और करवा लें। देखो सिंपल टाइप का मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, जब एक ब्लॉक रखा था वो मैं क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये ब्लॉक एक और ब्लॉक से कनेक्ट है तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा। ये अगर 1 kg का है, ये 2 kg का, ठीक है। तो FVD बनाते हैं, सबसे पहले FVD बनाएंगे। तो 1 kg का है तो इधर R फोर्स सरफेस पर है तो नॉर्मल फोर्स, और वो नीचे वाला फोर्स मैंने हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये 10 N से इधर जा रहा है और ये 20 N से इधर जा रहा है, चलो इधर जा 20 N से, ठीक है। 10 N एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन 2 kg 20 N, 20 N और आर है, ठीक है। अब मानेंगे एक्सेलरेशन किधर हो रहा होगा, तो फ्रेंड्स देखो 1 kg का 10 N इधर लगा रहा है, 20 kg का 20 N इधर लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन डिफाइंड नहीं है। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव आए तो एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन होगा, और पॉजिटिव आए तो उसी डायरेक्शन होगा जिसमें आपने माना है। मान लेते हैं हम एक्सेलरेशन इधर होगा तो ये कितना होगा, अगर आर के हम अपोजिट जा रहे हैं तो ये आएगा 10 - R इज इक्वल टू 1 A, और इसके हम पैरेलल जा रहे हैं तो आर माइनस 20 इज इक्वल टू 2 A करेंगे। आर से आर कैंसिल, 10 - 20 गए तो -10 + 20 गए और -A, ठीक है। देखो आर से आर कैंसिल हो गया, आर फ्रेंड्स यहां पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आर पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट है। जो चीज न्यूटन फोर्स होती है ना उसको हम मानते हैं, वो जिसमें जो फोर्स होती है उसको मानते हैं हम, जो आर की डायरेक्शन में जा रहा है वो पॉजिटिव होता है। तो आर यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहा है तो हम नेगेटिव मानेंगे, लेकिन इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। तो नेगेटिव से नेगेटिव गया, ये कितना आ गया पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का, 30 होगा, 10 + 20 प्लस हो गया ना, और ये कितना हो गया -A। अब माइनस आ रहा है यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन, तो A इज इक्वल टू 30 m/s² नहीं आया फ्रेंड्स, एक और बार रिवाइज करें। जस्ट यहां आर अपोजिट होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है स्ट्रिंग से कनेक्ट है एक से, ये सरफेस है दो या एक ही सरफेस मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 kg का है 2 kg का, 10 N से इधर है और 10 N से ही इधर है, चलो 20 करते हैं, ठीक है। सरफेस पर है सिंपली, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये 10 N इधर आएगा, 1 kg इधर, ठीक है। ये टेंशन इधर, अब ये वाली टेंशन इधर, 2 kg और 20 N इधर, और 20 इधर है, TV इधर है, तो 20 + T इज इक्वल्स टू 2 A, और इसमें दोनों अपोजिट साइड है तो -T, एक्सेलरेशन हम इधर मानते हैं
चलो इधर मानते हैं कि बार वो मैंने माइनस टी ले लिया ना, टेन माइनस टी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। कितना लेते हैं एक्सेलरेशन इधर है तो एक और बार देखते हैं, एक्सेलरेशन हमने मान लिया इधर है, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं फ्रेंड्स इधर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स सबवे फोर्स इधर लग रहे हैं, ठीक है। तो एक और बार बनाते हैं, तो टेन माइनस टी इज इक्वल्स टू वन ए, एंड इधर लग रहा है तो ट्वेंटी प्लस टी, ट्वेंटी माइनस टी इज इक्वल्स टू टू ए, प्लस में गया माइनस में गया माइनस में गया, कितना आया माइनस टेन इज इक्वल्स टू माइनस ए, माइनस से माइनस कैंसिल, ए इज इक्वल्स टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। जस्ट आपको टेंशन या फिर आर के जस्ट अपोजिट लेना, मतलब जिधर आपको ज्यादा ऐसा लगे किधर भी ले सकते हो आप एक्सेलरेशन, बस आपको फोर्स में से आपको टेंशन माइनस करनी और आर माइनस करना है, जो दोनों ब्लॉक्स के बीच में फोर्स था। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, चलो ये तो हम कितने ब्लॉक लगा सकते हैं, चलो एक सिंपली मैं आपको दो ब्लॉक वाला लगाता हूँ, कितने ब्लॉक लगा सकते हैं, तो ये 1 केजी है, ये 2 केजी, ये 2 केजी, ठीक है। और जो डेटा हमें रिक्वायर्ड होगा वो लिख लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 1 केजी वाले का, नीचे टी, और 2 केजी वाले का बनाते हैं ऊपर टी, नीचे 20 न्यूटन, और ये ऐसे ही 10 न्यूटन होगा, ठीक है। और ऊपर देखो ये टेंशन वन है, ठीक है, ये टेंशन टू है, तो ये टेंशन वन, ये टेंशन टू, ये टेंशन टू, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मान लेते डाउनवर्ड, तो टी वन माइनस टी टू प्लस टेन इज इक्वल्स टू वन ए, एंड गिवन डेट ट्वेंटी, अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है, तो फ्रेंड्स टी वन में से माइनस करा था, तो अब हम T1 में से माइनस करा तो अब हम T2 में से माइनस करेंगे, T2 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है, देखो फ्रेंड्स अगर हम वैल्यूज को T1 और T2 को वैल्यू फाइंड करें और वैल्यू को पुट करें तो यहां से डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारे पास ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए हमारे पास गिवन है टी टू की वैल्यू है 5 न्यूटन, और ए वन ए की गिवन है, मतलब ए की गिवन है 2, तो ए की पुट करें तो टी वन आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपके पास जो टी वन आएगा वो मुझे कमेंट में करें, टी टू की गिवन है 5 न्यूटन, यहाँ पर तो 5 न्यूटन पुट करें, और तो टी वन फाइंड आउट करना है आपको, और वन ए यानी कि 2 एंड 4, आप मुझे आंसर कमेंट में करें जो आंसर आएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपके टीचर होंगे, उनके लिए भी एक क्वेश्चन बना दिया मैंने, उनके लिए एक क्वेश्चन है तगड़ा सा, अगर आप चाहते हैं तो उनसे करवा के लाना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 केजी यहां पर है, फाइव केजी, 8 केजी, और ये बना हुआ है यहां से, मतलब ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग तो ये यहां से ही हुआ है बस, ठीक है। फाइंड आउट करवा के लाना है आपको एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाए तो ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आपके लिए आते हैं पुली वाले क्वेश्चन, पुली वाले क्वेश्चन का आप वेट कर रहे होंगे, ये वाला पुली जो होते हैं, तो इनके लिए क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टाइप बताया मैंने सिंगल वाला, सेकंड टाइप बताया जिसमें दोनों तरफ फोर्स थे और एंगल इंक्लूड था, और थर्ड टाइप मैंने बताया जिसमें दो बॉक्स थे, फोर्थ टाइप बताया था जो मैंने आपको टीचर का क्वेश्चन आपको देना है, और फिफ्थ टाइप ये पुली वाला, ठीक है। इसमें आपको गिवन है एक पुली, पुली आपको पता होगा क्या होता है, जो समर आपके घर लगता हुआ देखा है, तो जो वो रस्सी होती है ना, मतलब जिससे वो सर्कुलर व्हील होता है, वो होती है पुली, 5 केजी 10 केजी,
तो फाइंड आउट करनी है हमें पुली का एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, 5 kg नीचे 50 N, ऊपर टेंशन एक ही है पुली में तो टी, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, 10 kg 100 N। मान लेते हैं एक्सेलरेशन इधर होगा, तो एक्सेलरेशन इसको फॉलो करते हैं, तो जिसमें से फॉल हुआ तो ये इसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की, तो 100 माइनस टी इज इक्वल्स टू 10 a, और एक्सेलरेशन इसकी अपोजिट डायरेक्शन है तो टी माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5 a। माइनस करते हैं, ये कैंसिल, ठीक है, 150 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 5 a, माइनस के कैंसिल, ए इक्वल टू 30 m/s². ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पर 10 kg प्लस 20 kg यहाँ लगा दूँ क्या होगा? तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, आपने ये माना था T1, ये भी T1 होगा, ठीक है, ये T1 होगा, ये T2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आपको T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी जब आप वैल्यूज को घुमाओगे। तो मैं इस वीडियो में नहीं चाहता क्वेश्चंस ज़्यादा हों, तो आप फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है क्राइटेरिया इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, और आप अगर चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में तो नोट्स वैसे दे दूंगा, जो वहाँ पर इंपॉर्टेंट है वही है, तो बस आप NCERT क्वेश्चन लगाइए, इनसे NCERT क्वेश्चन सब हो जाएंगे, और किसी और यूट्यूबर की आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ से सब क्वेश्चन के टाइप समझ लीजिए, मतलब लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन टाइप समझ लीजिए किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बस यही है फ्रेंड्स। और आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, देखो फ्रेंड्स इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई, मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में इंक्लाइंड प्लेन के बारे में, वो ही है, अगर हमारे पास मोशन ऑफ लाइन पे कोई एंगल गिवन है थीटा, वो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अब मान लीजिए वो थीटा है, मान लीजिए 60 डिग्री है, और आपके पास एक बॉक्स है वो 5 kg का है, आपको पूछ रहा है वो एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट टाइप इसमें ये आ जाता है, सेकंड टाइप में यहाँ पुली बांध दूंगा, थर्ड टाइप में पुली और यहाँ बॉक्स बांध दूंगा, अरे टाइप तो बनते ही जाते हैं, इसका कोई वो नहीं होता, आप खुद बना, आप पे एक बार क्वेश्चन आ गए ना, आप खुद टाइप बना के खुद करोगे क्वेश्चन इनको। तो नीचे हो गया इसका 50 N, और एक यहाँ से ये आता है और ये होता है 60 डिग्री, ठीक है। अभी जब 60 डिग्री हुआ, इसके दो वैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, दो वैक्टर कैसे, एक इधर एक इधर, ठीक है, दो हो जाएंगे। अब इनको रिजॉल्व करना, आपको रिजॉल्व कैसे, 50 cos 50 sin 60 degree एंड 50 cos 60 degree, जब आप इनको रिजॉल्व करोगे तो आपके पास एक ये आ जाएगा, मतलब बन के सिंपली अगर बोले तो मैं 50 मतलब 5 kg, इधर एक फोर्स होगी, इधर एक फोर्स होगी, बस आपको याद ध्यान रखना है साइन और कॉस कैसे पुट करें, जिधर एंगल है उधर साइन, जिधर एंगल नहीं है उधर कॉस, तो जैसे पुट करोगे तो वही सिंपली फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप वाला, तो यहाँ से आपके लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, G sin θ, ठीक है, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है, बस इनके लिए ये याद रखिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इंपल्स क्या होता है, देखो फ्रेंड्स इंपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा है, व्हेन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड इंपल्स, ठीक है, इंपल्स ही होता है। अब इंपल्स अगर हम लेखें तो इंपल्स का बहुत इजी फॉर्मूला होता है, तो सिंपली अगर हम इंपल्स देखें तो इंपल्स, तो मैंने बता दिया ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स, तो इंपल्स को आई से, ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स को एफ से, डॉट डीटी यानी बहुत स्मॉल टाइम है, थप्पड़ देगा वो ही है, ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स होती है स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है, वो ही है इम्पल्स। अब इम्पल्स तो ये हो गया, ठीक है, अब इम्पल्स का चेंज लिखना है, तो चेंज हो जाएगा, फोर्स तो वही रहेगी लेकिन टाइम में चेंज हो जाएगा, टाइम रहेगा डीटी फाइनल माइनस डीटी इनिशियल, ठीक है, ये चेंज इन इम्पल्स है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं चेंज को, मैंने आपको बताया है पहले डेल्टा क्या है, ठीक है।
और डेल्टा पी का मैंने आपको पहले बता दिया चेंज इन मोमेंटम का, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। जो चीज मैंने पहले पढ़ा दी है चैप्टर्स में, इसमें इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि फ्रेंड्स टाइम ही कंज्यूम होता है और कुछ नहीं होता, और टाइम कंज्यूम होता है तो आपका ही लॉस होता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया इंपल्स, और आपको एक एफ एवरेज का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। एफ एवरेज, फोर्स एवरेज कितनी होती है, वो होती है एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वाई टी टू माइनस टी वन। ये एक फॉर्मूला है एवरेज फोर्स फाइंड आउट करने का, ठीक है। एवरेज फोर्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है, ये हो गया। हाँ, अब एरिया क्वेश्चन, अगर आपको एक एरिया गिवन है, जैसे मैथ में आपको एरिया गिवन होता है उस तरीके क्वेश्चन है, आपने मैथ सॉल्व करा नाइन टेंथ का उसी तरीके से क्वेश्चन है। सबसे इजी मुझे जो क्वेश्चन लगे वो यही लगे, आपको भी इजी लगेंगे फ्रेंड्स अगर एरिया निकालना आता होगा तो। वैसे कोई चीज आसान नहीं होती, और अगर मेहनत करे तो और ज्यादा आसान बन जाती है उसको, ठीक है। आपको गिवन है एक इस तरीके का एरिया, ठीक है। ये गिवन है 1 kg, सॉरी यहाँ पर dt आपको टाइम है, और ये आपको फोर्स गिवन है। फोर्स है आपके 10 N and 20 N, ठीक है, 10 N 20 N, और टाइम है आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड। आपको बोल रहा है इंपल्स फाइंड आउट कर लिए, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, एक थर्ड हो गया। इंपल्स क्या होता है, ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है फोर्स डॉट डीटी। अब जब ये ग्राफ में है तो आपको मिलता है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर इनवर्स होता तो नहीं होता प्रोडक्ट। अब सिंपली प्रोडक्ट है तो क्या होगा, इनका सम तीनों एरिया का प्रोडक्ट ऑफ एरिया, तो इंपल्स हो गया टोटल इंपल्स, ठीक है। टोटल इंपल्स हो गया इसका एरिया ट्रायंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, अब इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस में लेंथ इनटू ब्रेथ, और इस बड़े रेक्टेंगल का वो भी है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। वो है हाफ इनटू बेस कितना है 5, हाइट कितना है 10, प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ वो कितना है 10 - 5, 5 × 10, इसका कितना हो गया 15 - 10, 5 × 20। तो यहां से निकाल लीजिए इंपल्स टोटल 25 प्लस 50 प्लस 100, ठीक है, कितना हो गया इंपल्स हो गया टोटल 175 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो इजीली, डिस्क्रिप्शन में आपको वैसे सब चीज मिल जाएंगी, और आपको कमेंट में बताना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इंपल्स का क्या है, ठीक है। ऐसा यूनिट मैंने बता दिया है, एरिया वाले क्वेश्चन हो गए। अब ये तो हो गया इतना, अब आगे पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कुछ नहीं होता, चलो पहले रब कर देते हैं। देखो आपने कंजर्वेशन पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी इनिशियल पोजिशन पर है और वही सेम बॉडी कहीं फाइनल पोजिशन पर पहुंच गई, तो वो उसने जो मूवमेंट करा एक कंजर्वेशन लाए वो अपनी बॉडी में। इसका मतलब मान लीजिए एक कोई बॉडी है 5 kg की, ठीक है, वेलोसिटी से मूव कर रही थी 10 m/s, ठीक है, ए बॉडी है। अब वो ए बॉडी यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है, अब वो जो ए बॉडी यहाँ पर पहुंची, ठीक है, उसका हमें निकालना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। वो ही बॉडी 5 kg की यहाँ पहुंच गई लेकिन फाइनल वेलोसिटी 20 m/s, तो आपको फाइंड का आउट करना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इफ नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड सो द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व, यानी कि इनिशियल जो मोमेंटम होता है ना वो फाइनल के इक्वल होता है, और मोमेंटम होता है पी एफ, यानी मोमेंटम फाइनल के इक्वल होगा, वो होगा मास फर्स्ट एक मोमेंटम इक्वल्स टू कितना होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो m1v1 = m2v2, ठीक है, और ये कितने भी हो सकते हैं mn vn तक हो सकता है, यानी कि कितनी मास और कितनी वेलोसिटी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बोलता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है ना बॉडी को फाइनल मोमेंटम का होता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जा रही है, तो इसका मतलब ये बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्व का मतलब सेव रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो
मोमेंटम इससे पी आई से पी फाइनल काटिए, ठीक है, क्योंकि हम इनिशियल को तो एक मोमेंटम ही तो है, इनिशियल और फाइनल को काटिए, मोमेंटम कट जाएगा, एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू होगा, डेट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। वैल्यूज रखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई मास गिवन नहीं है, तो मान लीजिए मास फर्स्ट गिवन नहीं, तो वेलोसिटी ये गिवन नहीं है, तो एम वन गिवन है 5 और वी वन गिवन है और एम टू है 5 और वी कितना है 20, तो 5 से 20 है, ठीक है 20 है। अब तो जो वी इनिशियल आएगी वो आएगी अकॉर्डिंग टू दिस, कितना आएगा v1 आएगा, v इनिशियल आएगा 20, तो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि जो फाइनल में था वही इनिशियल पहुंचा दिया, यानी कि इनिशियल v इसके अकॉर्डिंग 10 था, सॉरी 20 था, लेकिन एक्चुअल में 10, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही है, आपको इनिशियल वेलोसिटी फाउंड आउट करनी होगी, आपको मतलब कोई 3 चीज गिवन होगी, एक चीज फाइंड आउट करनी होगी, लेकिन वो एक चीज होती है उसमें चेंज जरूर आएगा, जैसे यहां चेंज आया वेलोसिटी में, ठीक है। अब सिंपली हमें ये मिल गया P initial is equals to P final. Question के answer से ढरना मत, answer गलत लग रहा है, गलत है ये friends, गलत है। लेकिन friends क्या करें, ये physics ही है, physics से हमको deal करना होता है। अब चलते हैं gun bullet problem पे। Gun bullet problem क्या है? तो आप कभी gun चलाते हो, तब soldier पर रखते हो, आपने भी soldier पर इसलिए रखते हो ताकि वो जर्क करे, उसका जब बुलेट निकले तो गन एकदम मतलब बैकवर्ड न कर दे, तो गन बनाओ, ठीक है फ्रेंड्स, गन गन मान लीजिए वो ये ही है, ये इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज, ठीक है, बुलेट था यहाँ और अब छूट गए यहाँ, ठीक है, गन बुलेट प्रॉब्लम है, गन बुलेट प्रॉब्लम, ठीक है प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, जो नेट फोर्स होता है ना वो कंजर्व रहता है, तो इसका मतलब जो मोमेंटम जो इनिशियल होगा बुलेट का वो फाइनल के इक्वल होगा, यानी कि m1 v1 is equals to m2 v2, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है बॉडी पर वो जो है अगर अप्लाई नहीं हो रही है तो कंजर्व रहेगा मोमेंटम, ठीक है। तो इससे हमें इसका और मिलता है, जो मोमेंट ऑफ बुलेट है वो इनिशियल होगा फाइनल के इक्वल, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालनी है इस गन की, जो जर्क करेगी वो कितनी होगी, यानी कंधे पर जो लगेगी वो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस से पिक कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो होगी माइनस ऑफ एम वी यानी कि मास ऑफ बुलेट इंटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ गन, बस यही है, ठीक है। अगर दो इलास्टिक बॉडी हैं यानी कि एक बॉल ये जब इनका कोलिजन होता है, ठीक है, तो ये दोनों बहुत दूर जाती हैं, मान लीजिए कोई रेस्ट में चली गई और कोई मोशन में चली गई, यानी दो मोशन में चली गई, तो उनका जो मोमेंटम होगा वो होगा 2v के इक्वल यानी 2mv के इक्वल यानी कि 2p मोमेंटम होगा, ठीक है। लेकिन किस डायरेक्शन होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा फ्रेंड, ऑलवेज नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव जरूर पुट करें, नेगेटिव डायरेक्शन होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब चलते हैं कॉन्स्ट्रेट मोशन पे, कॉन्स्ट्रेट मोशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स कॉन्स्ट्रेट मोशन इज डेट मोशन विच इज अकर्ड बाय द मोशन ऑफ एनी अदर बॉडी, मतलब अगर कोई मोशन हो रहा है और उसकी वजह से कोई दूसरे का चीज का मोशन होता है तो वो होता है कॉन्स्टेंट मोशन। जैसे आप फ्रेंड्स अगर जब चलते हो रोड पर तो आपके हैंड्स भी मूव करते हैं आपके फीट के साथ, आपने कभी सोचा है हैंड्स क्यों मूव नहीं करते, क्यों आपके हैंड्स नहीं रुक जाते और आपकी पूरी बॉडी मूव करे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो फ्रेंड्स उसमें एक लॉजिक है, वो क्या है, हमारी बॉडी एक पूरी एक वेल डेवलप्ड होती है और वो इंटरलिंक्ड वर्क करती है पूरी बॉडी, तो कॉन्स्ट्रेट मोशन में डाल दीजिए एक मजबूरी है कॉन्स्ट्रेट मोशन, ठीक है।
अफेक्ट होगा दूसरी बॉडी के लिए। तो पहला है हैंड्स फीट मोशन, दूसरा है वेज ये वाला, यहां पर हमने पुली रख ये रखा था, पुली थी ये वाला है वेज मास सिस्टम, तीसरा है पुली मास प्रॉब्लम या पुली मास सिस्टम, ठीक है पुली मास सिस्टम ये है बस, ठीक है। और तीन अप्रोच हैं जिसके हम फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन फोर्स और मास फाइंड आउट करते हैं बॉडी का, या फिर हमें गिवेन है कोई मास तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी गिवेन है, तो फोर्स तो फोर्स गिवेन है, मास गिवेन है तो एक्सेलरेशन क्या होता है। तो तीन होती हैं अप्रोच, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। पहली होती है ऑब्जर्विंग मेथड से जो मैंने करी है आपको, मान लीजिए एक्सेलरेशन इधर है तो ऐसे मान के जो करी थी। दूसरा है वर्चुअल मेथड जिसमें हम क्या कहते हैं वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन मेथड जिसमें हम वर्क डन कराते हैं थोड़ा उस ऑब्जेक्ट से और हम क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। और तीसरा मेथड है डेट इज थर्ड वन, एक और मेथड होता है वो फ्रेंड्स होता है कंजर्वेशन मेथड, उससे भी करते हैं लेकिन हम कंजर्वेशन से हटा के एक पोजीशन वेक्टर होता है, आपने वेक्टर पढ़ा हो तो वेक्टर लगा के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मोस्टली इस चैप्टर में तो एक ही है वो हम पढ़ते हैं वाई ऑब्जर्विंग मेथड पहला वाला, तो उससे ही सॉल्व करना है, और दूसरे तीसरे वाले कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसलिए उसको नहीं कराऊंगा, ठीक है। जस्ट आपको एक चीज लिखवाने जा रहा हूं, अगर हम ऑब्जर्विंग मेथड से तो एक्सेलरेशन होता है ऑब्जर्विंग मेथड से m2 टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी, एक्सेलरेशन तो ये हो गया। टेंशन होता है 2m1 इंटू एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू जी, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर के हिसाब से देखें तो एक्सेलरेशन होता है पोजीशन वेक्टर के हिसाब से एम टू माइनस एम वन वेक्टर आ जाएगा अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, ठीक है इंटू जी, ठीक है। और टेंशन रहेगी वेक्टर की फॉर्म में m1 टू ऑफ m1 m2 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इनटू में z, ठीक है वही है सेम। और वर्चुअल वर्क डन मेथड से क्या करोगे आप, सबसे पहले वर्क डन फाइंड आउट करोगे और हो जाएगा क्वेश्चन। वर्क डन फाइंड आउट करके वो जो वर्क डन होगा वहां से आप फोर्स निकाल के एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, मास भी निकाल सकते हो। जब आप मास निकाल लोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा और फोर्स आ जाएगी, फोर्स से एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और अगर मास की भी नहीं एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी जब आएगा, ठीक है। अब चलते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम के जी है और तीन फोर्स लग रही हैं, एक एफ वन एक एफ एन मतलब कितनी भी फोर्स लग रही हैं इस पे एफ टू एफ थ्री, ठीक है कितनी फोर्स लग रही हैं, तो आपको आपके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट एट विच द नेट फोर्स ऑफ द बॉडी, मतलब एक नेट फोर्स ऑफ द बॉडी जो है बॉडी पर जितनी नेट फोर्स है उनका सम इक्वल्स टू जीरो होता है, यानी कि अगर हम बोले यानी कि मान लीजिए हम इसको F3 मान लें, ठीक है, तो जो F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा वो इक्वल टू होगा जीरो के, यानी कि इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट एट विच द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजिशन या इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में समेशन ऑफ आई वन से लेके आई एन तक, ठीक है वो होता है आई वन से आई एन तक होता है जीरो, जीरो होता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एफ, ठीक है। और
एफ एक्स आई से लेके एफ एक्स एन तक ज़ीरो होता है, एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू प्लस एफ एक्स वाई जेड जो भी होता है ज़ीरो तक होता है, ठीक है, मतलब एवरीथिंग इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, टोटल जितने भी फोर्स होते हैं वो होते हैं ज़ीरो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लामीज थ्योरम के बारे में। लामीज थ्योरम मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ा देता हूँ, चलो मेरे अकॉर्डिंग मैं पढ़ा देता हूँ लामीज थ्योरम, क्योंकि फ्रेंड्स एक मिनट की, एक मिनट में कुछ नहीं होता लामीज थ्योरम पढ़ने में। लामीज थ्योरम ये है फ्रेंड्स, अगर हमारे पास इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, और ए बी सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी कि ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, साइड नॉट एंगल। तो ए जो है वो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी जो है वो साइन बीटा, एंड सी जो है साइन गामा के इक्वल होता है, यानी कि फर्स्ट को और सेकंड को इक्वल रख सकते हैं, और सेकंड को थर्ड को इक्वल रख सकते हैं, थर्ड को फर्स्ट के, यानी कि ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा, यहां से तीन वैल्यू गिवन होगी, एक निकाल लेंगे, बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा, यहां से तीन वैल्यू गिवन होंगी, एक वैल्यू निकाल लेंगे, सी अपॉन साइन गामा इक्वल्स टू ए अपॉन साइन अल्फा, यहां से आपको तीन वैल्यू गिवन होंगी, एक निकाल लेंगे, कभी आपको ये पूरा गिवन नहीं होगा, ठीक है, एक पार्ट में आपको एक दो या तीन पार्ट में करना होता है जब आता है आपका आंसर, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में चलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले रेफरेंस क्या होता है, मान लीजिए जब आप कोई एंगल बनाते हैं, जैसे प्रोटेक्टर से आपने एंगल बना दिया एक 60 डिग्री का, तो ये जो लाइन होती है इस लाइन को आप लेते हो, मतलब यहां से आपने बनाया, ठीक है, ए ओ बी, ए ओ बी है आपने बनाया, तो फ्रेंड्स आप जो लाइन लेते हो इससे बनाते हो, तो डेट लाइन इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन, या इनिशियल लाइन इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। एट द जनरेशन ऑफ एनी जर्नेशर जर्नेश मतलब बोले जर्नेशन ऑफ एनी पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, इफ द मोशन ऑफ, एक और फ्रेंड्स बताऊं, अगर फ्रेंड्स बस यही है इनर्सी। अब बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, और ये बात ध्यान कर लीजिए, हम इनर्शियल फ्रेम में रहते हैं, यानी अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम, और अदर देन अर्थ ऑल आर नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है फ्रेंड्स, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहां पर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन आल्सो कांस्टेंट, यानी कि जो फिजिक्स के टर्म्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, डेट आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, वो इनर्शियल फ्रेम होते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनर्शियल फ्रेम, तो ये हो गए, तो इनर्शियल फ्रेम जो नॉन इनर्शियल होते हैं उनमें क्या होता है, तो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम स्यूडो कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड, तो वहां पर न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लाइड नहीं होते, स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं, स्यूडो फोर्स एक फॉल्स फोर्स है, वहां पर हम वो अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ है डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, लेकिन वो इनडायरेक्टली होता है, लेकिन जब वेलोसिटी कॉन्सेंट आती है तो वो इनर्शियल फ्रेम बन जाते हैं नॉन इनर्शियल की जगह। ठीक है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई फ्रेंड्स कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, तो डिस्क्राइब होगा इसका मोशन जो इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, और जो फ्रेंड्स इनर्शियल फ्रेम पर है उसका नॉन इनर्शियल फ्रेम से डिफाइंड होगा। मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए कहेगा ये अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, तो ए कहेगा बी मोशन में है, बी कहेगा ए मोशन में है। ठीक है, अब यहां पे हम सी और ले आए, सी कहेगा बी 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 रेस्ट में, और बी कहेगा सी रेस्ट में, सी और बी, बी और सी दोनों कहेंगे ए मोशन में। ठीक है, ये बात है।
ठीक है, न्यूटन लॉ इनर्शियल फ्रेम में डायरेक्टली अप्लाइड होते हैं लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं होते, स्यूडो कॉन्सेप्ट फोर्स अप्लाई होता है। तो जब स्यूडो कॉन्सेप्ट फोर्स अप्लाई होता है तो मान लीजिए लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो यहां पर जो नॉर्मल फोर्स होगी वो कितनी होगी, नॉर्मल फोर्स होगी एम, अगर इनर्शियल फ्रेम है तो तो ये होगी, और नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो स्यूडो फोर्स ये होगी एम, अगर अपवर्ड जा रही है, अगर कंडीशन है अपवर्ड जा रही है। न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है, तो ये हो जाती है एम ए प्लस जी अगर अपवर्ड जा रही है, अगर डाउनवर्ड जा रही है तो ये होता है एम जी माइनस ए ग्रेविटेशन की तरफ, ठीक है। तो एक आपको चीज है जो स्यूडो फोर्स होती है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगती है, ठीक है, अच्छा स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगती है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी लेंथ, और स्यूडो फोर्स होती है एम इंटू ए, अगर हम एम इंटू ए को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं स्यूडो फोर्स लग जाती है वहां पर, और किसी भी ब्लॉक पर ही एक्ट करती है स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, क्योंकि लिफ्ट में एक्सेलरेशन होना था तो डाउनवर्ड होना था, कॉन्स्टेंट वैल्यू से अपवर्ड और डाउनवर्ड होना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहां पर स्यूडो कॉन्सेप्ट फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और ये जो है फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी कि एक फ्रेम है बॉक्स इज अ फ्रेम, ठीक है। अब एक और चीज, केस वन लिखते हैं, केस वन में चलो एक मार्क ग्रीन मार्कर लेते हैं, केस वन लिफ्ट में लेते हैं, ठीक है, केस टू लेंगे वो भी अगेन लिफ्ट में होगा, ये कोई बंदा है ए, ये बी है, ए सी है, ये ए है, ये बी है, ए सी है। अब चलो फ्रेंड्स, मैं थोड़े ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ, इंक डालकर ब्लैक मार्कर से काफी अच्छा व्यू आ जाता है, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी ना, ब्लैकनेस से आ रही होगी पहले, तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो होता है मान लीजिए ए है, अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, इसमें मान लीजिए अपवर्ड जा रही है, इसमें डाउनवर्ड, और केस हम थर्ड लेते हैं, केस थर्ड में जो लिफ्ट है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जा रही है, और केस फोर, चलो केस फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, ठीक है, इसमें ही मान लेंगे, ठीक है, इसमें मान लीजिए अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड जा रही है, ठीक है। अब जब अपवर्ड जा रही है तो जो नॉर्मल फोर्स होगी वो कितनी होगी, तो जो नॉर्मल फोर्स होगी अगर अगर हमारी लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, मैं एक बार देख लेता हूं क्या जो मैं ये बता रहा हूं वो अपवर्ड के लिए ठीक है या नहीं, ठीक है, हाँ। तो फ्रेंड्स देखो, अगर अपवर्ड जा रही है जो नॉर्मल फोर्स होगी वो होगी एम ए प्लस जी, अगर डाउनवर्ड जा रहे नॉर्मल फोर्स तो ये होगी, अगर वो अपवर्ड कांस्टेंट फोर्स से जाए तो नॉर्मल फोर्स होगी एम डॉट जी, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम था, अब वो बन गया कांस्टेंट वेलोसिटी से इनर्शियल फ्रेम, अगर ये डाउनवर्ड जा रही है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम, चलो नॉन इनर्शियल डाल देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो अगर डाउनवर्ड आ रही है तो जी माइनस ही, क्योंकि ग्रेविटेशन ऑलवेज ज्यादा होता है, और इनर्शियल में एम डॉट जी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी डाउनवर्ड आ रहा है तो, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है और अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, यहां से ये होंगे। अब फ्रेंड्स एक और चीज और हमारे पास मिली, अब केस फर्स्ट और सेकंड तो ये हो गया डाउनवर्ड जा रही है, अब जाए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आएगी, इसके लिए इनर्शियल, इसके लिए भी इनर्शियल, डाउनवर्ड में अपवर्ड में भी, ठीक है, अब इनर्शियल बन गया। अब दूसरी बात,
ये तो हो गया नॉर्मल फोर्स। अब जो है टेंशन कितनी होगी, टेंशन तो फ्रेंड्स वही होगी एम जी, टेंशन दोनों केस में एम जी होगी, ठीक है, टेंशन फ्रेंड्स एम जी होगी, टेंशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, जो नॉर्मल फोर्स है ना वहीं पर फर्क आएगा मोस्टली, टेंशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। अब आगे और चलते हैं थोड़ा केस थर्ड की तरफ, जो है अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कार है, कार, ये कार है, उसमें एक स्ट्रिंग है, ये तो फ्रेंड्स हो गया जस्ट एक बॉक्स वाला, अगर मान लीजिए पुली वाला आ गया उसका क्या करेंगे स्ट्रिंग का, तो उसमें ये करना है आपको, तो इस पर जो टेंशन लगेगी, तो एसेंशियल जी देख लीजिए पहले कि एसेंशियल जी कितना होता है, अगर फ्रेंड्स अगर कॉन्स्टेंट है एसेंशियल जी जी होगा, ठीक है, और जो अगर जी एसेंशियल है, अगर अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड में होगा ए प्लस जी, और डाउनवर्ड आ रहा है यानी कि अपवर्ड का मतलब अगर ये ऊपर चले जाए और डाउनवर्ड का मतलब नीचे आ जाए, तो डाउनवर्ड का मतलब जी माइनस ए, ठीक है, डाउनवर्ड का मतलब जी माइनस, अपवर्ड जा रहा है तो जी जी प्लस ए। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो टेंशन होगी वो अगेन इसमें टेंशन जो होगी वो होगी एम जी, स्ट्रिंग वाले केस में जो टेंशन होगी वो होगी जी, ये नीचे मतलब ये था एक्चुअल में ये, ठीक है, जो जी होगी। तो थीटा यहां पर मान लीजिए थीटा आपको है, तो थीटा कैसे फाउंड आउट करोगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए वाई जी, टेंशन का ये फॉर्मूले है कुछ ना को याद करना, अगर याद करना चाहते हो जो यहां तक मैंने बताया टी इज इक्वल्स टू एम जी, यहां तक याद कर लेना बहुत है सफिशियंट इस चैप्टर के लिए, टी होगा एम जी एसेंशियल प्लस, मतलब ये इन टू है एम जी एसेंशियल, जी एसेंशियल इन टू इन टू एम वाई रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और एक और है वो है टेंशन इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एक और टेंशन है एम जी वाई कॉस थीटा, एक और जी एसेंशियल है रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो यहां तक था ये चैप्टर की कहानी फ्रेंड्स, यहां तक हमने फाइंड आउट करी डिफरेंट डिफरेंट चीजें, और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कैसे आप पुलिस के क्वेश्चन को सॉल्व करें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मैंने आपको बताए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आए उनको रिपीट करें, और चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।